सुस्वागतम चकदे विद नॉलेज में आपका स्वागत है। आज का वीडियो हिंदी में इंटरव्यू कासा क्या है, CASA कासा क्या है, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, करंट खाता बचत खाता। आजकल सभी बैंकें कासा के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अगला प्रश्न इंटरव्यू पैनल आपसे पूछ सकता है कि बैंकें कासा के ऊपर फोकस क्यों कर रही हैं। देखिए, कासा लो कॉस्ट फंड है। लो कॉस्ट का मतलब है कि बैंकों को कासा के ऊपर कम ब्याज देना पड़ता है। करंट अकाउंट्स में बैंक कोई भी ब्याज नहीं देता और बचत खाते में 4% ब्याज देता है। इसका मतलब ये लो कॉस्ट फंड है बैंक के लिए। अगर बैंक FD ज़्यादा रखेगा तो FD पर ज़्यादा ब्याज देना पड़ता है। इसका मतलब बैंक का कासा ज़्यादा होगा तो बैंक का फायदा है, इसीलिए सभी बैंक कासा के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ये आंसर हमने आपको दिया था, अभी एक बार आप पढ़िए इसको, आपको समझ आएगा। ओके, बचत खातों पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है? तो डेली बेसिस पे प्रोडक्ट कैलकुलेशन होती है, जो भी आपका बैलेंस होता है उस पर कैलकुलेशन की जाती है। लेकिन आपको जो ब्याज दिया जाता है, जो आप पासबुक में देखते हैं, वो क्वार्टरली बेसिस पे आपको दिखाई देता है। ये RBI गाइडलाइंस है। ओके, क्या आपका बचत खाता है? देखिए, बैंक आपसे उम्मीद करता है कि आप बैंक का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपका बचत खाता होना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हाँ में आंसर दें। किस बैंक में खाता है? किसी भी बैंक का नाम तुरंत बता दीजिए, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। पासबुक, अगर आपका बचत खाता है तो आपका जवाब हाँ में होना चाहिए, पासबुक होगी ही आपके पास। एंट्रीज पासबुक में क्या क्या होती हैं? देखिए, सबसे पहले डेट होती है, उसके बाद नरेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। नरेशन ऑफ ट्रांजेक्शन का मतलब है कि वो ट्रांजेक्शन किससे रिलेटेड है, जैसे चेक इशू हुआ, क्या हुआ, किसको पैसा दिया। डेबिट अमाउंट, डेबिट अमाउंट मीन्स कितना पैसा खाते से कटा। क्रेडिट अमाउंट मतलब कितना पैसा खाते में आया। बैलेंस, जो भी आपका बैलेंस बचा हुआ पैसा बैंक के पास है वही बैलेंस होता है। डू यू हैव चेक बुक? आप आंसर यस दे दीजिए, नो भी देंगे तो चलेगा, लेकिन आई सजेस्ट यस। व्हाट टू बी राइट व्हाइल इशूइंग चेकबुक, मतलब आपको क्या लिखना है। व्हाट टू बी रिटन, मतलब आपको लिखना क्या है जब आप चेकबुक इशू करते हैं। तो आप पेई नेम लिखते हैं, पेई नेम मीन्स जिसको आप चेक दे रहे हैं। अमाउंट इन वर्ड्स, वर्ड्स में लिखते हैं, शब्दों में लिखते हैं। फिगर्स, अंकों में लिखते हैं। डेट डालते हैं यानी कि तारीख, और अपनी साइन करते हैं। अगर अकाउंट पे ही होगा तो आप क्रॉसिंग वगैरह भी करते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ATM आपके पास है, आपका जवाब हाँ होना चाहिए। फुल फॉर्म ऑफ ATM, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन इज द फुल फॉर्म। टेल योर ATM पिन, दिस इज लाइक अ सरप्राइज क्वेश्चन, सो डोंट टेल योर पिन। ओके, जस्ट से सर मैं आपसे अपना पिन शेयर नहीं कर सकता हूँ, सॉरी। इंटरव्यू, ये पहले भी वीडियो हम लॉन्च कर सके हैं, ऑलरेडी लॉन्च्ड है, बट वो इंग्लिश में था, दोस्तों ने कहा कि हिंदी में भी दीजिए, तो ये हिंदी वर्जन आपके लिए। दोस्तों, अगर आपको समझ आया हो मेरा वीडियो, आपको अच्छा लगा हो, किससे आपकी नॉलेज बढ़ रही है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।